जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, आपका पुनः स्वागत है आपका अपना परिवार टारगेट क्लासेस चंदोसी में। प्यारे विद्यार्थियों, हमने पिछले दो वीडियो में एनसीईआरटी पैटर्न पर हमने आपको डिफरेंशिएबिलिटी एंड कंटिन्यूटी चैप्टर में आपको दो वीडियो अपलोड की थी, जिसमें हमारा पहला वीडियो हाफ मैराथन यानी 3 घंटे का एक क्लास था और दूसरा वाला एक 90 मिनट का यानी 1.5 घंटे का एक क्लास था। तो उम्मीद करते हैं आपने वो सभी देख लिए होंगे। प्यारे विद्यार्थियों, 5.1 एक्सरसाइज हमने उन दोनों वीडियोज में पूरी तरह से एक तरफ से समाप्त कर दी थी। अब जो हमारे पास नई एक्सरसाइज है वो 5.2 में हम किन किन टॉपिक पर बात करेंगे उसका कॉन्सेप्ट पर आज मैंने एक वीडियो बनाया। ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं होगा, लेकिन वीडियो को पूरा देखें जिससे कि आपको डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, एओडी एप्लीकेशंस ऑफ डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रेशन, यानी कि जितने भी टॉपिक हैं कैलकुलस के वो इसी पर डिपेंड हैं आज के कॉन्सेप्ट पर। तो आप सभी एक एक करके सभी पॉइंट्स को ध्यान से देखेंगे। आज के जो टॉपिक का नाम है वो कॉन्सेप्ट बेस्ड टॉपिक है। चैप्टर का नाम है निहित फलनों के अवकलन, या ऐसा कीजिए डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन। इस पर हम आज बात करेंगे। तो कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। आपने देख लिया होगा ऊपर आ चुका है चैप्टर का नाम। तो अब हम चलते हैं कॉन्सेप्ट में किस किस तरीके से करेंगे। देखिए, आपने कुछ 11th में भी पढ़ा होगा इसके बारे में। 11th में क्या पढ़ा था मैं आपको बताता हूँ। 11th में आपने क्या पढ़ा था, देखिए सबसे पहले हम चलते हैं किस किस टॉपिक पर हम बात करेंगे। देखिए सबसे पहले क्या है हमारा, आपसे पूछा जाए डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलों के बारे में पूछा जाएगा। तो आपको सबसे पहले तो डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले आने चाहिए। क्या क्या हैं डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले हम बताते हैं आपको। सबसे पहले देखिए, हमारी जो टेक्निकल टीम है वो एक मिनट बताए हमें ये कहां तक आ रहा है हमारा टॉपिक। यहां तक सही आएगा? अच्छा ठीक है, और यहां पर सही है ये? ठीक, अब चलते हैं हम सीधा। देखिए पूछ लेते हैं, क्योंकि अगर कुछ डिस्टर्ब होता है, कुछ कटता है तो आपको प्रॉब्लम्स आती हैं, इसलिए पूछना सही है। सबसे पहले हम चलते हैं। देखो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा dy/dx c, ये सब मैं अभी डिटेल्स में बताऊंगा, आप बिल्कुल टेंशन ना लें। c4 यहाँ पर क्या होता है, कॉन्स्टेंट पॉइंट्स होते हैं। सेकेंड फॉर्मूला इसमें आपने पढ़ा, मान लो dy/dx, आपने कुछ 11th में पढ़े होंगे, मैं उनको कॉन्सेप्ट में आज बता रहा हूँ। ठीक है, अब हम चलते हैं dy/dx, एक्स का मान निकालेंगे तो एक्स का 1 होता है। थर्ड नंबर एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा dy/dx एक्स की पावर n, तो nx n-1, इन सब पर आज आप डिटेल्स में चर्चा करेंगे, बहुत आनंद आने वाला है इस वीडियो में। तीन के बाद आप देखेंगे, चार नंबर पर एक फॉर्मूला आपका जो आता है मैं लिए लेता हूँ, मान के चलिए dy/dx log एक ex होता है, का फॉर्मूला कितना होता है 1/x होता है। सब मैं एक एक करके इनके यूज बताऊँगा आज एक एक एग्जाम्पल से, जिससे आप क्लियर कर लें, अगली वीडियो पूरी तरह से समझ में आ जाए आपके। एक प्यारे बच्चों log ax होता है, जिसको हम लिखते हैं 1/x log ae। ठीक है, यहाँ पर वेस में e होता है, क्योंकि log e का मान हमारा क्या होता है 1 होता है। तो log वेस ex का मतलब होता है log x अपॉन log e। अब log x अपॉन log e, log e जो वटे में है उसका मान 1, तो log x बचेगा। तो इसलिए इसका फॉर्मूला आप इसे याद रखेंगे, कैसे यूज होंगे वो मैं बताऊंगा आपको। इसके बाद हमारा अगला फॉर्मूला आता है dy/dx a की पावर x, और क्या होता है a की पावर x और log ea। तो बहुत ध्यान से देखना, यहाँ बेस में a है, e है, यहाँ पे बेस में e है और वहां पे क्या है a। तो पहले हम इतने फॉर्मूलों पर चर्चा करते हैं, उसके बाद इनके बाद वाले जो फॉर्मूले होंगे वो साइन कॉस टेन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन वाले होंगे, उसके बाद अंशहर वाले, और उसके बाद एक फर्स्ट सेकंड फंक्शन पर और हम बात करेंगे। तो पहले हम इनकी चर्चा कर लेते हैं, कितने फॉर्मूले लिखे हुए हैं, 6 फॉर्मूले। आज ही इसी वीडियो में सब कुछ मैं समझाऊंगा। सबसे पहला हमारा टॉपिक है कि dy/dx c = 1 का क्या मतलब। तो सबसे पहले हम फर्स्ट फॉर्मूला यहां पर लिख रहे हैं, आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे। फर्स्ट फॉर्मूला dy/dx c = 0 क्या होता है। यहां पर c जो है वो कैसी राशि है, कांस्टेंट वैल्यू है ये। किस तरीके से हम इसको देखेंगे, फॉर एग्जांपल देखो, सबसे पहले मैं कुछ बात आपको सिखा दूं, आप एक पॉइंट नोट में लिख लें इस एग्जांपल को सीखने से पहले। देखो आप इस टॉपिक में बार बार किसी फंक्शन का हम डिफरेंशिएशन करेंगे और किसी के सापेक्ष करेंगे, मतलब किसी के रेस्पेक्ट में करेंगे। कैसे करेंगे, बात शुरू करते हैं। जैसा सपोज आपने देखा एक शब्द आप बार बार लिखा देखोगे, एक वैल्यू लिखी देखोगे dy/dx का क्या मतलब होता है। तो
तो इसका मतलब प्यारे बच्चों क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ, कुछ मैं सिग्नेचर स्टेप बताऊंगा, मतलब मैं अपनी बनाई हुई ट्रिक्स, कुछ मैं मैथमेटिकल कंडीशंस बताऊंगा जो आपको ध्यान से देखनी है। जैसा ये देख रहे हैं आप प्यारे बच्चों, ये का होता है और ये के होता है, बोले इसका मतलब क्या है, बोले ये क्या बता रहे हैं आप, का और के, इसका मतलब होता है अगर हम इसको हिंदी में डिफाइन करें डी वाई अपॉन डी एक्स को, तो क्या करेंगे, वाई का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। ध्यान से देख लें, ये ऐसा पॉइंट है, हिंदी वाले हो चाहे सीबीएसई यूपीसी कोई सा भी बोर्ड हो, इतनी बार लिखना पड़ेगा आपको, हजार बार कम से कम लिखना पड़ेगा, बार बार हर सवाल में लिखना होता है। अगर इसी को हम इंग्लिश कन्वर्ट करें तो क्या लिखेंगे, बोले डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स विद फंक्शन लिख लो ऑफ वाई, विद फंक्शन वाई, मतलब ये कि हम जो वाई के फंक्शन के साथ करेंगे वो किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, विद रेस्पेक्ट टू क्या करेंगे हम लोग, एक्स करेंगे। तो इसको बच्चों हम शॉर्ट में भी लिख देते हैं इस तरीके से, बहुत बच्चे इसका यूज करते हैं, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, बस इतना लिख देते हैं। तो बात यह है कि मैं जीरो से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं आपको, सब कुछ सीख जाओ आप, दोबारा समझ लो, एक पॉइंट देखोगे आप डीवाई अपॉन डी एक्स, जरूरी नहीं है डीवाई अपॉन डी एक्स हो, डी टी अपॉन भी हो सकता है, सब हो सकते हैं, जो भी होगा वो अभी अभी धीरे धीरे आप कॉन्सेप्ट समझेंगे, इसलिए मैंने ये वीडियो केवल कॉन्सेप्ट पर ही बनाया है। बाई का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर ये इसका हिंदी प्रारूप होता है प्यारे बच्चों, कौन सा प्रारूप होता है, हिंदी प्रारूप होता है। अगर इंग्लिश में लिखें हम डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स विद द फंक्शन ऑफ वाई, या शॉर्ट में लिखें तो हम डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू क्या होता है, एक्स। बात समझ में आ गई, डी वाई अपॉन डी एक्स का मतलब क्या होता है, वाई का एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। अब हम चलते हैं टॉपिक में, बोले इसका कहां कहां हम किस तरीके से यूज करेंगे, देखिएगा बहुत ध्यान से, गहरी नजर आपको इसमें रखनी है। मैंने बता दिया कि आपके 45 नंबर जो मैं अभी हाल ही में कुछ वीडियो अपलोड किए हैं या ये करने जा रहा हूँ, इसी पर सब डिपेंड है, तो आप जरा सी भी लापरवाही आपको भारी पड़ सकती है। क्या है देखिएगा, अब हम चलते हैं किस तरह से इसको पढ़ना है, आप ध्यान से देखोगे। एग्जाम्पल, जैसे सपोज दैट आपका डी वाई अपॉन डी एक्स और आपसे किसी ने पूछा एक का क्या होगा, तो आप बताएंगे जीरो होगा, क्यों होगा सब मैं बता रहा हूँ। आपसे पूछे कोई डी वाई अपॉन डी एक्स, बताइएगा ए का क्या होगा, तो आप बताएंगे जीरो होगा। आपसे पूछा जाए डी वाई अपॉन डी एक्स साइन, मान के चलिएगा मैंने अभी बहुत लिखे हैं ऊपर, एक्स है एक्स की पावर, छोड़िएगा इसको लिखें ए की पावर वाई लिख लो, क्या होगा जीरो होगा, क्या होगा जीरो होगा। डी वाई अपॉन डी एक्स अगर मान लो आपसे पूछा जाए साइन ए का क्या होगा, तो क्या होगा जीरो होगा। आपसे पूछा जाए dy अपॉन dx log a का क्या होगा, तो आप बताएंगे जीरो होगा, क्यों होगा। देखिए हमसे पूछा जिसके रेस्पेक्ट में x हो, मैंने बताया सिग्नेचर स्टेप जरूर बताऊंगा मैं, जो मेरे खुद के बनाए हुए हैं, मतलब थोड़ा सा समझाने के माध्यम से बना देते हैं हम लोग, जिसके रेस्पेक्ट में करेंगे अगर वो फंक्शन में नहीं होगा, का मतलब x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं और x यहां पर नहीं हो, तो ऐसी कंडीशन में हमारा जो फंक्शन होगा डिफरेंशिएशन में वो क्या हो जाएगा जीरो। जैसे एक में एक्स था नहीं था, तो आंसर कितना हो गया जीरो, एक में एक्स था नहीं जीरो, ए वाई कहीं एक्स था इसमें नहीं जीरो, इसमें एक्स था नहीं जीरो, इसमें एक्स था जीरो। कॉन्स्टेंट जो पॉइंट है अचर वाले कॉन्स्टेंट राशियों वाले आपके क्लियर हो गए होंगे किस तरीके से ये जीरो होते हैं। अगर यहां पर एक्स होगा तो उसका डिफरेंशिएशन होगा, यही खेल आप पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे। बात क्लियर हो गई, तो जिसमें x नहीं होगा, फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहना चाहूं, देखिए आप अपने गेट पर खड़े हैं, आप अपने गेट पर खड़े हैं और मान के चलिए आपकी बिना जान पहचान वाला व्यक्ति आपके पास आता है और आपसे कुछ पूछता है या कुछ करता है, तो बिना जान पहचान वाले आपके रोड के आसपास बहुत घूमते रहते होंगे, सबसे कहते हैं कि आइए घर बैठिए चाय नाश्ता करिए, नहीं कहते हैं। का मतलब जो हमारे रिलेटिव होते हैं, जो हमें जान पहचान वाले होते हैं, उन्हीं को तो हम घर बुलाते हैं, उन्हीं का चाय नाश्ता होता है, आप बहुत असर होंगे चाय नाश्ते वाली बात पर। तो इसी तरीके से जब
जिसके साथ जिसका सम्मान करेंगे हम उसी का करेंगे जो उससे संबंधित हो। क्या एक्स से सी संबंधित है? नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? जीरो। ये एक्स के रेस्पेक्ट में वन, यानी एक्स नहीं था, संबंधित नहीं था, यहां भी नहीं, सब में नहीं, तो सबका क्या हो जाएगा? जीरो। बात क्लियर हो गई। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, दूसरे फॉर्मूले पर। दूसरा फॉर्मूला क्या है आप थोड़ा जरा ध्यान से देखिएगा और फिर मुझे बताइएगा क्या हुआ, क्लियर हुआ नहीं हुआ। देखो ये सबसे छोटा फॉर्मूला होता है dy upon dx, x का जो मान होता है वो कितना होता है 1। आप इसको बस याद रखें, इसके बिना कुछ नहीं होगा, आप इसको केवल याद रखेंगे। तीसरा फॉर्मूला है, इसका यूज अभी बहुत होगा, हर सवाल में इसके बिना कुछ नहीं होगा, मैं बता रहा हूं, बराबर एन एक्स एन माइनस वन, ये होता है इसका फॉर्मूला। आप एक बार ध्यान रखिए, दो शब्द मेरे याद रखें, कोई भी आधार हो मतलब वेस हो, घात हो, कोण मतलब एंगल हो, ये सब का डिफरेंशिएशन जब तक करते हैं, ध्यान से सुने, जब तक कि वो एक ना हो जाए या वो कांस्टेंट में ना बदल जाए। बोले क्या? अब समझते हैं, जब तक करते हैं जब तक कि वो एक ना हो जाए। अब आप एक एक करके समझेंगे, और जिनमें एक्स होगा ही नहीं, ये केवल एक्स वाले होंगे। कौन से होंगे? एक्स वाले। ऐसा नहीं कि कोण घात आपने कोई से भी कर दिए, ठीक है? तो ये एक्स वालों की बात हम यहां पे कर रहे हैं, थोड़ा सही से लिख लो, कौन सो की बात कर रहे हैं? एक्स वाले। जब एक्स वाले होंगे आधार घात और कोण, जब उनका करेंगे जब तक बनना हो जाए। अब चलते हैं, अब हम क्या करें, देखो जैसे एक्स की पावर एन का कर, देखिए ये इसका आधार है, बेस है, तो क्या इसका डिफरेंशिएशन नहीं हुआ होगा? हुआ होगा, हुआ होगा, लेकिन वो कितना हुआ होगा? वन। तो वो वन हमने दिखाया नहीं, वो वन हमने दिखाया नहीं, क्योंकि जीरो जो बच्चे पढ़े ही नहीं है अभी तक, तो उनके लिए तो ये सब जीरो से पढ़ाना जरूरी है। इसका हुआ वन, तो लेकिन वन पे हमें दिखाने की जरूरत नहीं, वन को क्या लिखें। अब एग्जाम्पल हम कैसे कैसे इसके शो करेंगे, आप थोड़ा ध्यान से देखो, डी वाई अपॉन डी एक्स, एक्स की पावर फाइव, फाइव एक्स फाइव माइनस वन, और इस एक्स का क्या होता है? वन। तो इसका आंसर हो गया कितना? फाइव एक्स की पावर फोर। अभी सिंपल वे में मैं बता रहा हूँ, फिर उसके बाद आपको टेक्निकल भी बहुत बहुत आएंगे, लेकिन पहले आप सिंपल बात को समझें। अगर आपसे किसी ने पूछ लिया, फॉर एग्जाम्पल बच्चों, कि बताओ आप लॉग एक्स की पावर फोर का कितना होगा, चूंकि ये एक्स का फंक्शन दिया हुआ है, चूंकि ये एक्स का फंक्शन दिया हुआ है, कितना? फोर। आपने देखा जब एक्स का मतलब एक्स नहीं है, एक्स का फंक्शन की पावर एन, अब एक्स का फंक्शन कितना है? लॉग एक्स। तो आपने देखा एन आगे आया, तो इसमें चार आपका आगे आ जाएगा, चार आपका आगे, क्योंकि आपका एन यहां पे आ गया। अब ये एक्स यानी एक्स का फंक्शन, एक्स का फंक्शन यहां पर पूरा कितना है? लॉग एक्स। एन माइनस वन यानी चार माइनस एक, और आपको पता है मैंने बोला आधार, अब इसका जो आधार है वो क्या है? लॉग एक्स है। क्या है? लॉग एक्स। तो लॉग एक्स अभी मैंने पढ़ाया नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं, लॉग एक्स का होता कितना है? वन अपॉन एक्स। तो हम क्या करेंगे? डी वाई अपॉन डी एक्स लॉग एक्स। ये जो मैं नियम बता रहा हूं आपको, ये सीरीज रूल है, श्रृंखला नियम है। कौन सा नियम है? श्रृंखला नियम, लिख सकते हो चाहो तो सीरीज रूल। अब देखो, चार लॉग एक्स की पावर थ्री, चार में से एक गया तीन, और ये जो लॉग एक्स है इसका आता है वन अपॉन एक्स, इसका आता है वन अपॉन एक्स, और ये जो एंगल वाला एक्स है, मैंने बोला जब तक करते हैं जब तक वो कांस्टेंट बना बदल, अब ये लॉग एक्स हो गया, क्या इसका करेंगे? बिल्कुल करेंगे, लेकिन अब मैंने क्या बोला, ये एंगल, एंगल कितना है इसका? एक्स। तो इस एक्स का क्या होगा? वन। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई? अभी आगे धीरे धीरे पढ़ेंगे आपके समझ में। तो ये तो हुई एक्स की पावर एन वाली बात। अब वो कहेगा साइन, आपसे पूछ ले साइन एक्स की पावर फाइव का क्या होगा, आपसे कुछ भी पूछ सकता है, जितने भी फॉर्मूले दिए हुए हैं। तो नियम आपको बस इतना ध्यान रखना है। अब हम चलते हैं अगले फॉर्मूले की तरफ, किस किस तरीके से हम इसको अप्लाई कर रहे हैं, आप बहुत ध्यान से देखते रहेंगे तो मैं समझा दूंगा अगली वीडियो में, और ज्यादा सब क्लियर हो जाएंगे। सेकेंड पार्ट क्या है हमारा, इधर लिख लेते हैं, देखिएगा एक और फॉर्मूला आया डी वाई अपॉन डी एक्स, चौथा नंबर है, डी वाई अपॉन डी एक्स क्या है? लॉग ई एक्स बराबर वन अपॉन एक्स। आप सोच रहे होंगे इस ये एंगल है तो एंगल का क्या हुआ ना है? बिल्कुल हुआ है, लेकिन वन हुआ इसलिए दिखाया नहीं था, आप फॉर्मूले में देख सकते हैं। अब मैं आपको बताऊं इसका भी हुआ इसी तरीके से, ये फंक्शन है सब, यहां पर साइन एक्स भी हो सकता है, टेन एक्स भी हो सकता है,
इसका भी हुआ वन, इसका भी हुआ वन, लेकिन एक्स का वन होता है इसलिए ये वन 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 आ रहा है। अगर इसकी जगह साइन एक्स होता तो साइन एक्स का तो कॉस एक्स आता, जिसका होगा वो आएगा, बाकी तो ये वन है। ठीक है, अब हम चलते हैं। लॉग ई एक्स का क्या होता है वन। अगर फॉर एग्जाम्पल प्यारे बच्चों आप बिल्कुल ध्यान से देखेंगे और कुछ बातें आपको क्लियर होती जाएंगी, बिल्कुल उम्मीद करता हूँ। डी वाई अपॉन डी एक्स, आपसे किसी ने पूछा बच्चों कि एक्स स्क्वायर, ये ई लगाएं या नहीं लगाएं कोई बात नहीं, क्योंकि लॉग ई का मान क्या होता है वन होता है, बेस में है, तो क्या होगा अब हम देखते हैं लॉग ई और एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा। चलते हैं, आपको पता है कि जो लॉग ई एक्स का फॉर्मूला होता है वो एक्स वटे में आ जाता है, एंगल कहाँ आ जाता है वटे में आ जाता है, तो इसका जो एक्स स्क्वायर है वो कहाँ आ जाएगा वटे में आ जाएगा। बात क्लियर हो गई, एक्स स्क्वायर कहाँ आ जाएगा वटे में आ जाएगा जो एंगल है, लेकिन इस एक्स का वी होता है दोबारा क्या आता है वन आता है, तो यहाँ पे क्या एक्स है नहीं, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो इसका डीवाई अपॉन डी एक्स, डीवाई अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर का भी करेंगे, मतलब आप इसका करेंगे इसके सापेक्ष। अब बात को ध्यान से सुनेंगे, ये एक्स यहां भी एक्स यहां भी, डिफरेंशिएशन तो हो सकता है लेकिन इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा, एक्स की पावर एन वाला, एन एक्स दो आगे लिखो एक्स और दो माइनस एक, दो माइनस एक, और ये जो एक्स है, ये जो एक्स है आधार में है, तो इस एक्स का भी क्या होगा वन होगा। बात क्लियर हो गई, तो दिखाओ या मत दिखाओ कोई बात नहीं, दो एक्स बटे एक्स स्क्वायर यानी कि टू वाई एक्स इसका आंसर हो जाएगा। बात कर, उम्मीद करता हूं क्लियर हो गई होगी, बात क्लियर हो गई। इसी तरीके से हम और भी मान के चलिए कोई फॉर्मूला ले लेते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अब अगला फॉर्मूला क्या है, मान के चलिए, मान के चलिए कि इसी में मैंने एक कंडीशन जोड़ दी, बोले ये होता है लॉग ई एक्स, लॉग लॉग ई एक्स और भी हो सकता है, लॉग लॉग टेन लॉग ई एक्स कुछ भी हो सकते हैं, तो आप देखें ये आप, अब देखो लॉग एक्स इसका एंगल क्या है एक्स, तो वन अपॉन एक्स, तो इसका एंगल क्या है वन अपॉन लॉग ई एक्स। बात क्लियर हो गई, अब ये जो कंडीशन है हमारी, ये जो कंडीशन है हमारी, जैसे आपको पता है इस एक्स का क्या होता है वन होता है, इसी तरीके से डीवाई अपॉन डी एक्स लॉग ई एक्स का तो दोबारा करेंगे नहीं करेंगे, हम लोग करेंगे नहीं, वन अपॉन लॉग ई एक्स, इस लॉग ई एक्स का वन अपॉन एक्स होता है, इस ये एक्स बटे में आ जाता है, तो यहां पे इसका एंगल ये था ये बटे में आ गया, लेकिन यहां एक्स का क्या होता है वन होता है, उसी तरीके से लॉग ई एक्स का दोबारा करेंगे तो क्या होगा वन अपॉन एक्स इसका हो जाएगा, और इस एक्स का भी अगर करेंगे तो वन, दिखाएं या नहीं दिखाएं कोई बात नहीं, तो आंसर आ गया वन अपॉन एक्स लॉग, बताइए क्लियर हुआ नहीं हुआ, मैं समझता हूँ पूरी तरह से ये क्लियर हो गया होगा। अब एंगल जैसे जैसे चेंज होंगे एक्सरसाइज में मैं बताऊंगा, इस टॉपिक को, इस वीडियो को कॉन्सेप्ट के लिए जरूर पढ़ें, ठीक है पूरा देखें जिससे कि अगली एक्सरसाइज में पूरा आनंद आए। तो ये हो गए आपके तीन और सॉरी चार फॉर्मूले, नंबरिंग से कोई मतलब नहीं है, तो आगे पीछे कर लो कोई बात नहीं है। अब हमारा पाँचवा फॉर्मूला, पाँचवा फॉर्मूला क्या है, डी वाई अपॉन डी एक्स लॉग ए एक्स बराबर वन अपॉन एक्स लॉग ए ई, ठीक है सॉरी लॉग ए ई, क्लियर। अब देखते हैं क्या है ये, एग्जाम्पल के लिए हम देख रहे हैं, वैसे का भी है यहां पे लेकिन कितना हुआ एक, तो इसलिए दिखाया नहीं, एग्जाम्पल के लिए हम देख ले रहे हैं, देखो क्या लॉग टू और मान के चलिए लॉग एक्स, ठीक है लॉग टू लॉग एक्स, बहुत सवाल आएंगे एक्सरसाइज में प्रैक्टिस करने के लिए, आपने देखा ये वटे में आ गया था, यहां पे कितना है ये लॉग एक्स, तो वन अपॉन क्या आएगा लॉग एक्स आएगा, क्लियर। फिर लॉग ए ई, लॉग ए ई का मतलब क्या है लॉग टू ई, क्योंकि ए की जगह कितना है टू है, अब बोले इसका दोबारा होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा, इसका हुआ वन तो इसका लॉग एक्स का वन थोड़ी होता है, लॉग एक्स का कितना होता है वन अपॉन एक्स, तो ये आपका आंसर आ गया, क्लियर हो गई बात, बिल्कुल क्लियर हो गई। इसके बाद देखते हैं एक फॉर्मूला और मैं यहां पर बढ़ा देता हूं, सातवां डी वाई अपॉन डी एक्स ई की पावर एक्स का, ई की पावर एक्स ही होता है और इस एक्स का क्या होता है वन होता है, ठीक है। इसके बाद क्लियर हो गई बात, एक और देख लेते हैं,
देखें एक फॉर्मूला और हम ध्यान से देखेंगे क्या। मान के चलिए आपने dy अपॉन dx फॉर्मूला नहीं इसका जो पांचवा छठी कंडीशन है वो देख लेते हैं, ठीक है, या मिटा लेते हैं और देखिएगा छठवी कंडीशन क्या है इसकी, वो है dy अपॉन dx a की पावर x log ea। क्लियर। अब इसका क्या मतलब, बोले आपसे किसी ने पूछा फॉर एग्जाम्पल dy अपॉन dx 2 की पावर x कितना हुआ, तो आप बताएंगे 2 की पावर x और log e 2। आपसे कोई पूछ ले dy अपॉन dx आपसे कोई भी एक कंडीशन आप नोट कर लो, जैसे 2 की जगह 5 लगा दे, 7 लगा दे, साइन ए लगा दे, वी लगा दे, कुछ भी लगा दे। मान के चलिए आपसे किसी ने पूछा, आप एक चीज़ और नोट कर सकते हैं, एक्स की जगह वाई भी हो सकता है, तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, वाई, जैसे मैं बता रहा हूँ। सपोज वहाँ एक्स ना होगा, यहाँ वाई हो गया, हो सकता है, और ये 2 की पावर वाई हो गया, तो बच्चों जब यहाँ वाई तो यहाँ वाई, तो बात वही है 2 की पावर वाई, और ये क्या हो जाएगा लॉग ई। बात क्लियर हो गई। तो इस तरीके से हम इसको यूज कराएंगे, 2 की जगह कुछ भी एक्स वाई जेड साइन ए कोस ए टेन ए आ सकता है। क्लियर हो गई बात। अब हम चलते हैं अगली फॉर्मूले। अगला फॉर्मूला क्या है हमारा, ए की पावर एक्स, और एक लास्ट में इसमें जो सातवें नंबर पर हमने लिखा है अभी अभी dy अपॉन dx e की पावर एक्स का e की पावर एक्स होता है, और एक्स का क्या होता है वन, इसका क्या होता है वन। अब इसका एग्जाम्पल तौर पर हम कैसे इसको समझ सकते हैं, dy अपॉन dx मान के चलिए e की पावर एक्स स्क्वायर का मान लो आपको निकालना है, तो आप बोलेंगे x का, तो e की पावर x का e की पावर x होता है, तो ये तो सेम आ जाएगा e की पावर x स्क्वायर, ठीक है, लेकिन यहाँ x का बनता है, लेकिन यहाँ x स्क्वायर है, क्या है x स्क्वायर, तो dy अपॉन dx और क्या करेंगे हम लोग x स्क्वायर, और x स्क्वायर का होगा 2x 2 माइनस 1 और ये आ जाएगा e की पावर x स्क्वायर और 2x, ये आपका आंसर हो जाएगा। बात क्लियर हो गई। इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं साथ के साथ, dy अपॉन dx e की पावर कितना दिया हुआ है, साइन x दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है साइन x, तो मान के चलिए e की पावर साइन x का ये साइन x सेम आएगा, बच्चों अभी लिखाया नहीं है मैंने फॉर्मूला, लिखाने वाला हूं साइन x, सपोज तो e की पावर साइन x तो ये हो गया, और इस साइन x का बच्चों अभी पढ़ाया नहीं है, आप पढ़ेंगे अगली अभी इसके बाद फॉर्मूलों में, तो क्या हो जाता है cos x हो जाता है। साइन x का क्या होता है cos x, इसका भी होता है लेकिन वो वन होता है, दिखाते अगर एक्स स्क्वायर होता तो दिखाते, इसलिए हम दिखा रहे हैं वन वन करके, ठीक है, क्लियर। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूलों में, इसके कौन से नेक्स्ट फॉर्मूले आप एक एक करके समझें, देखिएगा। तो ये एक्स वालों की बात आपके समझ में आ गई कि एक्स वालों का कैसे यूज करते हैं, एक्स वाले आधार हो, घात हो, कोण हो, एंगल, मतलब उनका हम दोबारा दोबारा करते हैं, क्या है अब देखिएगा नए फॉर्मूले, कुछ नए फॉर्मूलों की तरफ चलते हैं, क्या है देखें, जब तक एक ना हो जाए इसका मतलब है ना। अब देखते हैं सात के बाद एक आठ नंबर फॉर्मूला हम लिखते हैं, क्या है देखें, dy अपॉन dx, अब हम चलते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में, दो हम बताएंगे आपको सॉल्व करके, आप फिर उनको करते रहेंगे, cos x इसका भी होता है लेकिन क्या होता है वन, मैंने बताया ये फंक्शन है, अगर इसकी जगह एक्स स्क्वायर हुआ तो होगा, इसलिए मैं एक्स को बन करके दिखा रहा हूँ, बच्चे इसमें थोड़ा जब कोई भी बच्चा हो शुरुआत में कन्फ्यूजन में जरूर रहता है, कॉस एक्स का क्या होता है माइनस साइन एक्स एक्स, ठीक है। दसवां नंबर फॉर्मूला क्या है, डी वाई अपॉन डी एक्स, मान के चलिए आप लिख लो सेक एक्स, लिख लो सेक एक्स का होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, एक और लिखो डी वाई अपॉन डी एक्स, फिर टेन एक्स का लिख लो क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, ये याद रखने पड़ेंगे आपको, टेन एक्स का क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स होता है, इसका भी होता है वन, सबका वन 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 होता है, लेकिन हम दिखा नहीं रहे, मतलब हम दिखा नहीं रहे, ठीक है, ध्यान से देखते रहें, अगर कुछ कटे भी तो उसको भी ध्यान से देख लो, सुन लो, डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है, एक होता है कॉट एक्स, कॉट एक्स का कितना होता है कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, एक्स का क्या है वन है, एक्स थर्टीन देखते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स, आप एक फॉर्मूला और लिख लो कॉट एक्स के बाद कॉसेक एक्स माइनस कॉसेक एक्स और क्या होता है कॉट एक्स, और इसका क्या होता है वन। तो इस तरीके से ये आपने छः के छः फॉर्मूले अभी अभी देखे,
कितने फॉर्मूले देखे, छह फॉर्मूले। अब क्या है अगला फॉर्मूला इसके बाद, ये तो होगा छह, इसके बाद आपका आएगा एक्स आई वी यानी चौदह नंबर फॉर्मूला, डी वाई अपॉन डी एक्स, यू अपॉन बी, एक अंश हर वाला आएगा और एक एक्स वी यानी लास्ट फॉर्मूला आएगा। आप इस एक काम करिएगा, इसको यहाँ लिखिएगा फर्स्ट सेकंड जिसे बोलेंगे हम, और इसको यहाँ पे लिखिएगा यू अपॉन बी जिसको हम अंश हर बोलेंगे, अंश मतलब एन आर और हर मतलब डी आर, डिनोमिनेटर और नोमिनेटर। यू वी मतलब यू, डी वाई अपॉन डी एक्स बी, और प्लस होता है बीच में, बीच में क्या होता है प्लस, और बी ऐसे ही लिखेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स और क्या हो जाएगा यू। बात क्लियर हो गई? तो इस फॉर्मूले पर आप नजर रख, मतलब पहला ऐसे ही दूसरे का डिफरेंशिएशन, दूसरा ऐसे ही पहले का डिफरेंशिएशन, ये इंटीग्रेशन में भी होता है लेकिन वहां पे थोड़ा चेंज होगा, इसलिए यहां पे शुरुआत अच्छे से पढ़ लें। इसके बाद इस फॉर्मूले को मैं इधर लिख रहा हूं, जगह को ध्यान में रखते हुए थोड़ा ध्यान से देख लेंगे आप। जब कोई सवाल में अंश में भी एक्स हो, एक्स वाला पार्ट, और हर में भी एक्स वाला पार्ट, ये भी ऐसा नहीं कि आप कॉन्स्टेंट राशियों पर लगाएंगे, अभी सिखा रहा हूं बस मैं इसी पर टॉपिक पर बात करूंगा। तो क्या करते हैं हम, हर का स्क्वायर कर देते हैं बच्चों, क्या करते हैं हर का स्क्वायर, हर को ऐसे ही लिखते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स यू, माइनस यू ऐसे ही लिखेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स वी। मतलब क्या वो लिखा मैंने, देखिएगा ध्यान से, हर का स्क्वायर करेंगे, हर ऐसे ही, अंश का डिफरेंशिएशन, अंश ऐसे ही और हर का डिफरेंशिएशन, और नीचे हर का स्क्वायर, बीच में क्या था माइनस। अब हम इनके एक एक करके थोड़ा जल्दी जल्दी यूज देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे क्या है, जैसे पहला एग्जाम्पल पर ही चलता हूं मैं, फॉर एग्जाम्पल ये आपका आठ नंबर पर जो लिखा हुआ है, आठ नंबर पे क्या है डी वाई अपॉन डी एक्स साइन एक्स का कितना होता है कॉस एक्स होता है। अब एग्जाम्पल, अब आपने अभी अभी इससे पहले छह सात पढ़े थे, अब उनसे हम डिपेंड कर करके इसको पढ़ाएंगे। इसका भी होता है क्योंकि ये एंगल है, एक्स वाला एंगल है, तो क्या होता है इसका, जब तक करते हैं जब तक क्या ना हो जाए कॉन्स्टेंट, अचर ना हो जाए वन ना हो जाए। अब हम चेक कर लेते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स साइन, आपसे कोई पूछे एक्स स्क्वायर का कितना होगा, बिल्कुल ध्यान से देखते रहेंगे आप, जैसा कि साइन एक्स का कॉस एक्स हुआ, तो साइन एक्स स्क्वायर का कॉस एक्स स्क्वायर हुआ। अब कॉस एक्स स्क्वायर होगा जब साइन एक्स का कॉस एक्स हुआ, लेकिन यहां पे एक्स का वन हुआ, लेकिन यहां एक्स स्क्वायर का क्या करें, क्या वन कर दें, नहीं, वही तो बात बार बार बताई जा रही है, सीरीज नियम चल रहा है, सीरीज नियम कौन सा, सीरीज नियम, और एक्स स्क्वायर का क्या होता है टू एक्स, क्या होता है टू एक्स। एक बात बताने से अभी रह गई है जो मैं बता दूं आपको, क्या रह गई है बताने से, देखिएगा यहां पर ये सी वाला आया था, तो सी का जो डिफरेंशिएशन हुआ वो माइनस वाला हुआ, यहां पर आपने देखा ये सी वाला आया पार्ट, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हुआ माइनस वाला हुआ, ये भी सी वाला आया पार्ट, जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है वो भी क्या होगा माइनस, तो सी वाले ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन वाले डिफरेंशिएशन क्या होते हैं माइनस होते हैं, इसको ध्यान रखना आप, नए स्टूडेंट खासकर ध्यान रखेंगे जो पहली बार पढ़ रहे हैं। ये एक्स स्क्वायर का क्या हो गया टू एक्स हो गया सेकेंड पार्ट। इसके बाद ये तो फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया, सेकेंड एग्जाम्पल की तरफ हम चलते हैं, सपोज दैट साइन, और हम वही बात करेंगे जो अभी पढ़ा रहे हैं आपको, लॉग एक्स, अभी अभी पढ़ा के आए थे पिछले में, तो जैसे साइन एक्स का कॉस एक्स हो गया, तो साइन लॉग एक्स का भी कॉस और क्या हो जाएगा लॉग एक्स हो जाएगा, जैसे साइन एक्स का कॉस एक्स सेम, ठीक है एक्स का वन, अब यहां लॉग एक्स है, यहां एक्स नहीं है, यहां पर कितना है लॉग एक्स, तो इस लॉग एक्स का कितना होता है वन अपॉन एक्स, ये आपका आंसर। बोले इसका भी करो लॉग हो गया वन, तो वन दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। इसी तरीके से डी वाई अपॉन डी एक्स साइन, और आपसे पूछा साइन एक्स ही कर लो, कोई दिक्कत नहीं, मैंने बोला एक्स से मतलब एक्स नहीं है, एक्स के फंक्शन, साइन एक्स का कॉस एक्स, तो इसका क्या होगा कॉस, ये चेंज नहीं होगा, यहां एक्स था यहां भी क्या रहा एक्स, तो साइन एक्स का यहां पे भी कहीं इसको चेंज मत कर देना, ठीक है, लेकिन वहां साइन एक्स का वन हुआ, तो यहां साइन एक्स का क्या होगा कॉस एक्स, आंसर समझ में आ गई बात, ठीक है। और देख लो, और मैं अगले वालों के साथ साथ बता देता हूं, इसी तरीके से सेम नियम कॉस में चलेंगे, किस में चलेंगे कॉस में, कॉस में क्या चलेंगे, बस यहां पर माइनस आएगा, जैसे एक एग्जाम्पल उसका भी बताते हैं बेचारा कहेगा हमारा नहीं बताया, तो देखो, देखिए बच्चों मैं डायरेक्ट अगर इस टॉपिक को शुरू करता तो कुछ बच्चे इसमें अधूरे रह जाते, इसलिए मैंने इसको पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट के लिए एक वीडियो बना दिया है, ये आप थोड़ा देख लेंगे, जैसे ये कॉस एक्स है का माइनस साइन एक्स होता है, सी वाला है तो माइनस होगा,
आंसर देखते हैं। आपसे किसी ने पूछा dy अपॉन dx cos cos x का ही बता दो, तो आप क्या करेंगे, cos है माइनस हो जाएगा साइन, लेकिन मैंने बताया एंगल चेंज नहीं हुआ तो cos x ही रहेगा, लेकिन यहां इस x का वन हुआ लेकिन यहां तो cos x है इसकी जगह, तो cos x का तो दिखाना पड़ेगा, वन थोड़ी होता है cos x का, क्या cos x का क्या होता है, माइनस साइन। ये आपका आंसर आ गया, बताइए समझ में आया नहीं आया। तो ये साइन एक्स का क्या होगा, माइनस, कॉस एक्स का क्या होगा, सॉरी माइनस का साइन एक्स। बात क्लियर हो गई, बिल्कुल। इसी तरीके से हम आगे चलते हैं सेक एक्स वालों पे, जल्दी जल्दी इसको फिनिश करते हैं कॉन्सेप्ट को इसके। अब बीच में से आप बाद में नहीं समझ पाते, इसलिए इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखेंगे, एक एक स्टूडेंट जितने भी देख रहे हैं वीडियो। डी वाई अपॉन डी एक्स सेक एक्स का क्या होता है, sec x इंटू टेन एक्स होता है, इस x का भी होता है प्यारे बच्चों कितना, वन, लेकिन यहाँ एग्जाम्पल कैसे हम दिखाने जा रहे हैं आपको, मान के चलिए आपने कह दिया, आपसे किसी ने पूछा, सवाल बाद में बताऊंगा मैं एक एक करके, आपसे किसी ने पूछा sec और बताओ भाई sin x का कितना हुआ, तो आप कैसे बताएंगे, आप कैसे बताएंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं, ये x यहाँ भी था, यहाँ भी था, sec x tan x हो गया, तो ये sec sin x और tan sin x, sec sin x और tan sin x, क्लियर, sec x tan x sec x tan x, तो sec sin x tan sin x dy upon dx sin x पे एक डिफरेंट वीडियो जो है पॉइंट बना लेते हैं, सॉरी sec sin x, ठीक है, tan sin x, और sin x का क्या होगा, cos x, बस आंसर हो गया आपका। ये अलग अलग तीन पार्टों में भटके आ गया, ये तो एक ही होता है जैसा कि sec x tan x था, तो ये तो तुरंत आ जाएगा निकल के, लेकिन उसका एंगल कितना था sin x, तो sin x का कितना होगा cos x, और इस x का भी कितना होगा वन, ये आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई, कोई भी डिफरेंशिएशन हो डरने की कोई भी बात नहीं है, ठीक है, ये हो गया। और भी आप चाहो तो देख सकते हो, क्या एक एग्जाम्पल और देख लो, आप कह रहे हो एक और बता दो, लो भाई डी वाई अपॉन डी एक्स sec, आपसे पूछा रूट एक्स का बताओ, तो आप क्या करेंगे, बोले sec रूट एक्स, ठीक है, और tan रूट एक्स, और डी वाई अपॉन डी एक्स, ये जो रूट है ना, रूट को एक बटे दो लिख सकते हैं, इतने छोटे बच्चे नहीं हो आप, तो sec रूट एक्स tan रूट एक्स, और रूट एक्स की पावर n वाला फॉर्मूला क्या होता है, देखिएगा एन एक्स एन माइनस वन, तो ये एक बटे दो आ जाएगा आगे, ठीक है, एक्स की पावर एन का पिछले अभी 10-15 मिनट पहले पढ़ा था, और एक्स और एक बटे दो माइनस वन, और इसका करेंगे तो क्या आएगा वन, मतलब क्या बोला दोबारा सुन लो, एक बटे दो एन एन फिर एक्स एन माइनस वन फॉर्मूला, तो ये sec रूट एक्स tan रूट एक्स एक बटे दो, आपको पता है एक बटे दो में से जब एक जाएगा, आधे में से एक जाएगा तो माइनस का आधा बचेगा, माइनस का आधा चाहे तो ऐसे लिख लो, या अपॉन में रूट एक्स करके लिख दो, या फिर अपॉन में रूट एक्स करके लिख सकते हैं। बात समझ में आ गई आपके, ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट में, नेक्स्ट क्या है उसकी तरफ हम चलते हैं, देखिए मिटा दें इसको। अगला फॉर्मूला tan x का बहुत सिंपल होता है, क्या होता है tan x का देखें, tan x का फॉर्मूला क्या होता है, ये है हमारा dy अपॉन dx tan x का फॉर्मूला sec स्क्वायर x होता है, क्या होता है sec स्क्वायर x, तो आपको पता है इसका भी होता है लेकिन क्या वन। इसी तरीके से आपसे कोई पूछ ले dy अपॉन dx tan tan e की पावर x का कितना होगा, तो आप क्या बताएंगे sec स्क्वायर e की पावर x, और इस e की पावर x का, यहां x का वन हुआ e की पावर x का तो होता है e की पावर x, तो इसको अलग कर लें, ये आपका आंसर आ गया, क्लियर। इसी तरीके से tan हो गया, और आप और भी बहुत सवाल अभी कराए जाएंगे, ये तो केवल मैं आपको प्रैक्टिस में कुछ एग्जांपल्स बेस्ड पर पढ़ा रहा हूं, फॉर्मूले याद दिला रहा हूं आपको। अब अगला क्या होगा देखिएगा, tan के बाद अगला आ गया 12 नंबर पे, जो मैंने नंबर डाले वही लिख लेता हूं, cot x,
का क्या होता है माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स। और इसके बाद एक फॉर्मूला और है, वो क्या है, वो है डी वाई अपॉन डी एक्स कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स। देखिए इसका भी होता है बन, लेकिन वो दिखाया नहीं है। अगर आपसे किसी ने पूछा डी वाई अपॉन डी एक्स बेटा बताओ कोट साइन एक्स का क्या होगा, क्या होगा, तो आप क्या बताएंगे कि कोट का होता है माइनस का कोसेक स्क्वायर साइन एक्स। क्या होता है कोसेक स्क्वायर साइन एक्स, आप देख सकते हैं कोट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, तो साइन एक्स तो सेम आएगा, चेंज नहीं होगा। लेकिन इस एक्स का तो वन हुआ था, लेकिन इस साइन एक्स का तो कुछ ना कुछ होगा, क्या होगा कोसेक्स होगा, क्या होगा कोसेक्स होगा। बात समझ में आ गई, तो आप इसको ध्यान से देख लें, इसको मैं मिटा देता हूं, इसकी अब जरूरत नहीं है, अब आप समझ गए होंगे क्या होगा इसका। दोबारा लिख लो कोसेक्स, दोबारा देखें कॉट का माइनस कोसेक स्क्वायर साइन एक्स, और इस साइन एक्स का क्या हो गया कोसेक्स। ठीक है, अब क्या है इस एक्स का क्या होता है वन, और भी लिख लो यहां पर कुछ लगाते रहो और उसको चेंज करते रहो। अब क्या होगा यहां पर, जैसे एग्जाम्पल तौर पर आपसे किसी ने पूछा बताइए डी वाई अपॉन डी एक्स कोसेक ई की पावर एक्स का बताओ, तो आप बताएंगे जैसे कोसेक एक्स कॉट एक्स हुआ, ऐसे ही कोसेक ई की पावर एक्स और कॉट ई की पावर एक्स, यानी कोसेक ई की पावर एक्स और कॉट ई की पावर एक्स। इस e की पावर x का क्या होगा e की पावर x, ये आपका आंसर हो जाएगा। बताइए समझ में आया नहीं आया, तो e की पावर x तो यहां सेम चलेगा, ये तो सेम है, लेकिन जो जैसे x का वन होता है उसी तरीके से e की पावर x का क्या होगा e की पावर x होगा। बात क्लियर हो गई। इसके बाद और एक फॉर्मूला इसी में निकाल लो dy वाई अपॉन डी एक्स, आपसे किसी ने पूछा बताइए cos x साइन एक्स का बताओ, तो मैं इधर लिख दे रहा हूँ, ठीक है, क्या होगा बोले कोसेक साइन एक्स, एंगल बिल्कुल सेम, गुणा कॉट, इस पर भी माइनस लगाओ, वहाँ भी माइनस लगा लेना पिछले वाले में अगर गलती हुई हो, कॉट और ये भी क्या होगा साइन एक्स, कोसेक एक्स कॉट एक्स, ठीक है। लेकिन इसका भी तो होगा, क्या होगा डी वाई अपॉन डी एक्स साइन एक्स, जैसे इसका यहाँ वन हो गया तो इस साइन एक्स का थोड़ी ना वन हो जाएगा, तो ये आंसर आ गया आपका माइनस का कोसेक साइन एक्स इंटू कॉट। मजे लेके इसमें पढ़ते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोसेक्स हो गया और चाहो तो इसका दिखा दो क्या वन, ये आपका आंसर आ गया। बात क्लियर हो गई होगी मैं समझता हूँ। तो इस तरीके से त्रिकोणमितीय अनुपात वाले फॉर्मूले आपने सभी के सभी अभी अभी हाल ही में देख लिए। बात क्लियर। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं इसके एक्स्ट्रा फॉर्मूलों पर, क्या अभी बहुत इसमें बहुत बड़े चैप्टर है कैलकुलस, 45 नंबर में ये आएगा, तो आप समझ जाइए कोई आसानी से हल नहीं होगा, थोड़ा प्रयास करेंगे आप, आज इसकी शुरुआत समझ लीजिए। अगला क्या है, अगला फॉर्मूला है 14 नंबर, ये है हमारा डी वाई अपॉन डी एक्स यू वी वाला, यू ऐसे ही डी वाई अपॉन डी एक्स बी और प्लस बी ऐसे ही डी वाई अपॉन डी एक्स यू, मतलब ये क्या फर्स्ट सेकंड वाला फॉर्मूला है, ये फर्स्ट ऐसे ही सेकंड का डिफरेंशिएशन, सेकंड ऐसे ही फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। कहाँ कहाँ ये लागू होगा हम उसको बताते हैं, जैसा आप ये जब भी होगा u और v जो होंगे ये दोनों वेरिएबल फंक्शन होंगे इज द पार्ट ऑफ x, ऐसा नहीं कि a b c कुछ भी आ गए तब इसको फर्स्ट सेकंड लगाएंगे, लगा लोगे लेकिन गलत नहीं, वो डायरेक्ट कर सकते हैं x, और आपसे किसी ने पूछा e की पावर x का बताओ, तो आप कहेंगे दोनों x वाले हैं फर्स्ट सेकंड मान लो, तो आप कहेंगे x dy वाई अपॉन डी एक्स ई की पावर 100 यो बार इनका यूज होना है, और दूसरा ऐसे ही पहले का क्या कर देंगे x कर देंगे, तो ये x और e की पावर x और ये e की पावर x और x का क्या होगा 1 होगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। बात क्लियर हो गई, जब दोनों में x वाले ही फंक्शन हों, सेकंड पार्ट बाई हो तो यहाँ पर बाई होगा, वो आपको बाद में बताया जाएगा सब कुछ, अभी स्टार्टिंग बताई जा रही है। आपसे बोला जाए कि बोले बताओ x log x का कितना होगा, या आपसे पूछा जाए e की पावर x log x का कितना होगा, तो ये फर्स्ट और ये क्या है सेकंड है, पहला ऐसे ही dy वाई अपॉन डी एक्स log x का डिफरेंशिएशन कर ले रहे हैं, और log x ऐसे ही dy वाई अपॉन डी एक्स e की पावर x का कर ले रहे हैं,
फर्स्ट सेकंड लगा दिए दोनों एक्स वाले हैं, लॉग एक्स का क्या होता है वन अपॉन एक्स। आपको आप धीरे धीरे स्पीड बनती जाइए, आप बड़े बड़े क्वेश्चंस करने शुरू कर देंगे। और लॉग एक्स और ई की पावर एक्स का क्या होता है, ई की पावर एक्स। बात समझ में आ गई, ये आपका फर्स्ट सेकंड का फॉर्मूला। और भी क्वेश्चंस पढ़ाएंगे इसमें, लेकिन वो एक्सरसाइज कराते समय सब आपको एक एक करके आएंगे, बिठा दूं। अब इसके बाद सभी बच्चे देखें एक और लास्ट फॉर्मूला, फिर मैं इसके तरीके बताऊंगा कि कितने कितने बड़े बड़े क्वेश्चंस इसमें बन सकते हैं। एक है हमारा डी वाई अपॉन डी एक्स यू अपॉन बी, मतलब अंश हर वाला फॉर्मूला मैंने लिख दिया है। ऊपर अंश होता है, नीचे क्या होता है हर, तो हर का स्क्वायर हर, ऐसे ही डी वाई अपॉन डी एक्स यू माइनस यू, ऐसे ही डी वाई अपॉन डी एक्स, और कितना होता है बी। इस तरीके से हम इस फॉर्मूले को याद रखेंगे, हर का स्क्वायर हर ऐसे ही अंश का डिफरेंशियल, अंश ऐसे ही हर का डिफरेंशिएशन। बात क्लियर हो गई। अब हम चलते हैं इसके कंडीशन में, कैसे हम इसको करेंगे। ये भी दोनों कौन से फंक्शन होंगे, एक्स वाले फंक्शन होंगे। कैसे, हाँ मैं आपको एक कंडीशन और बता दूं, आप एक मिनट रुकिएगा। पिछले में मैंने फर्स्ट सेकंड बताया था, उस पर मैं एक मिनट का कुछ टॉपिक और बता दूं, शायद आप कंफ्यूजन आपका खत्म हो जाए। जैसा मैंने एक सवाल अभी आपको बता रहा था, x log x या जो भी बता रहा था, आपसे कोई कह दे x a log x का क्या हो। देखो ये a जो है वो x वाला नहीं है, तो a को हम कॉन्स्टेंट बना लें, अलग कर लें, इससे कोई मतलब नहीं है। तो इस log x का क्या होगा, इसलिए इस पर फर्स्ट सेकंड ना लगाएं, लगाएंगे बात वही आएगी लेकिन कोई जरूरत नहीं है। तो ये a और log x का क्या होता है वन अपॉन x, तो x वाले होने जरूरी है, ठीक है। अब देखिएगा नेक्स्ट क्या है इस पर। अब जैसे हम एक अपवाद फॉर्मूला बताएं, मान के चलिएगा कि आपसे कोई पूछ ले, बोले बताओ डी वाई अपॉन डी एक्स ए अपॉन, मान लो साइन एक्स का आपको बताना है, तो इस पर आंसर लगाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ऊपर क्या है ए है, ए मतलब अचर राशि। ए को हमने अगर बाहर ले लिया तो डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा, कॉन्स्टेंट राशि को बाहर लिख लो। वन अपॉन साइन एक्स क्या होता है, कॉसेक एक्स होता है, और कॉसेक एक्स का फॉर्मूला क्या पड़ा माइनस कॉसेक एक्स कोट एक्स। तो इस पर आप थोड़ा ज्यादा ध्यान रखेंगे कि जरूरी नहीं है कि हम लगाएं उस पर, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगर हम इसमें बात करें, अगर इसके अलावा ये ए था, अगर इसके अलावा मान के चलिए अब यहां पर ये आ गया, क्या आ गया इसके अलावा आ गया ये, तो क्या करेंगे हर का स्क्वायर, क्लियर। अब लगाना पड़ेगा क्योंकि ये भी x का है और ये भी x का है, तो साइन x ऐसे ही डी वाई अपॉन डी एक्स एक्स माइनस एक्स ऐसे ही डी वाई अपॉन डी एक्स साइन एक्स, मतलब क्या हर ऐसे ही अंश का डिफरेंशियल, अंश ऐसे ही हर का डिफरेंशियल, क्या होगा x का वन x और cos x। अभी इसको हंसी में मत लेना, बहुत खतरनाक क्वेश्चन भी आएंगे इसमें। ये आपका आंसर, चाहो तो इसको और इसके बटे में भी हल कर सकते हैं। बात क्लियर हो गई। तो ये इस तरीके से हम इसका यूज करेंगे, अंश हर वाले फॉर्मूले या कोई भी सवाल किस तरीके से होता है बताते हैं। और भी आप एक, अब इसको मैं कुछ अलग तरह से सिखा रहा हूं, ये तो आपको फॉर्मूलों की मैंने रिवीजन करा दी या याद करा दी, ये मान लो एक एक दो दो एग्जाम्पल के माध्यम से शॉर्ट में पढ़ाए थे। अब आपसे कोई पूछ ले किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, और भी मैं बता दूं आपको, बताइए कि साइन सही है sec, और मान के चलिए sec log, और यहां पे आपको दे दिया x स्क्वायर, मतलब आप समझ सकते हैं कि क्या है क्वेश्चन, ये इस पे लगाओ, ये इस पे लगाओ और ये इस पे लगाओ। जब तक आप शुरुआत नहीं पढ़ोगे, इसलिए मैं आपको लास्ट में दो ऐसे सवाल बता रहा हूं जो आपको प्रैक्टिस में फायदा देंगे। dy अपॉन dx देखिएगा, आपने फॉर्मूला पढ़ा sin x का, क्या पढ़ा sin x का, क्या होता है sin x बराबर cos x, तो dy अपॉन dx तो ये cos होगा। अभी एंगल कुछ चेंज नहीं होता, आपसे अगर मैं पूछूं यहां पे x था तो यहां पे कुछ और हुआ क्या, नहीं, तो इसका मतलब इस sin का एंगल जो है, एक एक करके घात तोड़ेंगे, मतलब एंगल तोड़ेंगे, तो ये sec है और यह है log x स्क्वायर, ये। लेकिन ध्यान से सुन, लेकिन इस x का क्या हुआ वन, एंगल का वन, लेकिन इसका एंगल तो ये है, अब तो इसका दोबारा होगा क्या होगा sec log x स्क्वायर, ठीक है। अब इधर आ जाओ, cos sec
लॉग एक्स स्क्वायर। ध्यान से देखें, अब इधर वाला तो सॉल्व हो गया, जैसे यहां तक ये वाला हो गया था। अब क्या, अब ये बचा, अब sec x का क्या होता है, sec x का फॉर्मूला होता है sec x into tan x, मतलब ये अब इसका एंगल sec log x स्क्वायर sec x tan log x स्क्वायर, तो sec x into tan x, ठीक है। अब क्या बचा, अब और बचा, अब क्या, यहां तक सॉल्व हो गया। अब जैसे sec में कहा गया, इसका करते थे क्या होता था वन, तो अब यहां पे इसका एंगल क्या बचा, sec का log x स्क्वायर। तो बहुत टेक्निकल है, आप इसको ध्यान से देखेंगे क्या हुआ, cos sec log x स्क्वायर, इसलिए हंसी मना लें, अभी मैंने आपको जितना पढ़ाया उसको बहुत ध्यान से पढ़ लें, बहुत टेक्निकल क्वेश्चंस इसमें बन रहे हैं, आप देख ही रहे हैं, tan log x स्क्वायर, और क्या इसकी जगह हम यहां लिख रहे हैं, क्या ये जो log x स्क्वायर आया, फिर अब log x वाला फॉर्मूला, log x का क्या था 1 अपॉन x, तो इसका 1 अपॉन क्या होगा x स्क्वायर, और इस x स्क्वायर का क्या होगा 2x, तो इस तरीके से ये पूरा आंसर आएगा आपका। बात क्लियर हो गई आपके, मैं समझता हूं क्लियर हो गई होगी। तो मैंने इस एक लास्ट एग्जाम्पल की मदद से आपको क्या बताया, दोबारा समझते हैं, साइन का कॉस sec, ये एंगल सेम जैसे वहां पे सेम, इसका दोबारा, ठीक है, बैक में आओ, ये सेम इसका sec x का sec x into tan x, तो x की जगह ये sec x into sec log x square tan log x square और फिर log x square का, ये क्लियर, यहां तक क्लियर, अब ये सब क्लियर, log x square का होगा, जैसे log x का 1 upon x, तो इसका होगा 1 upon x square, और x square का क्या होगा 2x। तो अभी आपने ये बड़ा सवाल देखा, ऐसे सवाल आ जाते हैं पेपर में 2 नंबर में, और भी इससे टफ क्वेश्चन होते हैं, लेकिन चाहे टफ है चाहे आसान है, आपके लिए जब ही ये क्वेश्चन करने में आसानी होगी जब आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे, और इसके साथ साथ कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी की जो 2 वीडियो लगभग 4.5 घंटे की क्लास मैंने अपलोड कर रखी है 2 पार्ट में, उनको आप बहुत ध्यान से देखें, जिससे इसके फॉर्मूले में आगे प्रूफ कराऊं उनको समझने में जरा आसानी हो, क्योंकि इन सब का अगर मैं प्रूफ कराऊंगा तो डिफरेंट कंटिन्यूटी की माध्यम यानी लिमिट की कंडीशंस उसमें लगती रहेंगी, तो उसका बहुत यूज जरूरी है, पहली बात। दूसरी बात यह, इस वीडियो को आप बहुत ध्यान से देखें, जिससे कि पूरा कैलकुलस डिफरेंशिएशन पर डिपेंड होगा, 45 नंबर का इंटर क्लास का, ये जगह जगह इंटीग्रल में AOD AOI में ये फॉर्मूले लगते रहेंगे। प्यारे बच्चों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, सभी जगह अगर अच्छा लगे तो वीडियो को फैलाएं, औरों का भी भला करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया, जय।